देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहे हैं रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसको मैं अच्छे से तुमको पेपर पेंसिल पे बताऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में हम एक रफ इसकी समरी ले लेते हैं, बोर्ड पे देख लेते हैं कि इसको कैसे करा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ए बी ले लिया 9.3 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, क्लियर है? फिर मैंने क्या करा, एक यूनिट और बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर, बी टू सी 1 सेंटीमीटर का मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? वो कैसे करते हैं बेटा, अपना कंपास लो। ठीक है, देखो बोर्ड पे तो आएगा नहीं इससे, है ना? कंपास लेकर क्या करना है हमको, यहाँ पर ए टू सी है ना, जो इसका मिड डिस्टेंस है, सपोज दिस इज, ये आधा रास्ता है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगी, कंपास से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क बना दूंगी। ठीक है, तो मैंने कंपास ए पे रखा, आधे ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क मार्क करा, एक नीचे कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से फिर तुम सी पे रखो अपना कंपास, और उससे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाओ। ठीक है, तो मैंने सी पे रखा, एक आर्क इधर आया, एक आर्क इधर आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करोगे, तो अब हम इन दोनों को बेटा ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, तो सपोज़ ये ऐसा आ जाता तुम्हारा, ठीक, तो इसको मैंने ज्वाइन करा, तो ये पॉइंट आ गया, सपोज दिस इज पॉइंट ओ। ठीक है, क्लियर? अब तुम क्या करोगे बेटा, अपना कंपास लेकर पॉइंट ओ से ओ ए का रेडियस लेके पूरा एक सर्कल बना दोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ पे सेंटर लेकर एक ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक, क्लियर? अब अगला देखो क्या करना है तुम्हें, अब हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर से, है ना, क्या करेंगे, बी पर रखकर एक 90 डिग्री का एंगल मार्क कर देंगे। ठीक, क्लियर? ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो सपोज दिस इज पॉइंट डी। ठीक, ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब तुम क्या करोगे बेटा, डी टू सी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टेंस डी टू सी है, मैंने कंपास से इसको लिया। ठीक है, मेजर करो डी टू सी डिस्टेंस। ठीक, और सी पे अपना कंपास रखकर यहाँ पे उसको मार्क कर दो। ठीक, मैंने मेजर करा सी टू डी, और कंपास सी पे रखा, और एक ऐसे करके एक आर्क लगा दिया यहाँ पर, इसको तुम एक्सटेंड कर दो अपनी इस लाइन को। ठीक है, क्लियर है? तो सपोज दिस इज पॉइंट पी। ठीक, तो बेटा ये जो डिस्टेंस आया है तुम्हारे पास, दिस इज योर रूट 9.3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास, यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस आया है सी टू पी, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 9.3। ठीक है, क्लियर है? एक दफ़ा तुम लोग को कॉपी पेंसिल पे अच्छे से कंपास और प्रोटेक्टर से समझा दूंगी। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर।